और हमारा सेठ बैठा है वो। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज माशाल्लाह से ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहो, वन डे बिकम अ सक्सेसफुल मैन। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो यार आज आप सबके लिए सैड न्यूज़ है और मेरे लिए भी सैड न्यूज़ थी, लेकिन मुझे पता था वो सैड न्यूज़ क्या है ये आपको मैं बताऊंगा शॉप पे चल के। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर करना, और शेयर करना तो आपका हक बनता ही बनता है, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है तो मेहनत का फल भी मुझे आप लोग दें और सपोर्ट करें। तो अभी चलते हैं शॉप पे, वो आपको सैड न्यूज़ क्या है शॉप पे चल के पता चलेगा। तो माशाल्लाह से यार अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम मदर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार जो आज का सीन था माशाल्लाह से वो ये कि जो हमारी ये जो शॉप है ना गुरुमी फायदी मेन सलून, इसका ना सेट चेंज हो सकता है। सेट समझ तो मालिक, शॉप का मालिक जो मेरा अपना उस्ताद यूसुफ था ना, यूनस ना, हाँ उस्ताद यूनस, तो उसे ना यार ये शॉप भेज दी अपना आदिल भाई वालों को। ऐसे ही बिल्कुल अबे मुस्कुरा भी दे यार। इतना मुस्कुरा तो ये तू असल में तू मेरे को अभी फंसा रहा है कि तेरे कड़ी से खिलाऊं मैं। नहीं 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 ऐसी वैसी बात नहीं है यार, कड़ी खाना चाह रहे, कड़ी खिलाएंगे तेरे को, भागे तू ली जा रहे। अभी रुक तो जा, बात तो करने दे, बात कर भाई। तू फंसा रहा है। नहीं नहीं कड़ाई कड़ाई यार, जो सीन ये था कि अपना यूनिस भाई को ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मेरे अबू को भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने शॉप काफ़ी पहले से बात चल रही थी। लेकिन जो आज का सीन था ना वो ये था कि आज हमारा होगा पक्का एग्रीमेंट। वैसे तो इन लोगों ने हाफ पेमेंट पहले ही कर दी थी ऐसे ना, हाफ पेमेंट की भी कर हाफ पेमेंट कर दी थी, तो आज के दिन हाफ पेमेंट, तो आज के दिन हाफ पेमेंट करनी है। तो अभी अफ्तारी के बाद आएगा उस्ताद यूनुस और इसका अब्बू, ऐसे ही ऐसे रोजे के बाद आ जाएंगे। हाँ उस्ताद भी आ जाएगा, तो रोजे के बाद इंशाल्लाह एग्रीमेंट करेंगे पक्का वाला। तो माशाल्लाह से सेट बन चुका है, तो आते साथ इसने अपनी सेट गिरी झाड़ दी। नहीं मैं, और ये तो सैड न्यूज़ हमारे लिए थी, लेकिन एक और सैड न्यूज़ ये है कि इसने ना अपना राशिद भाई को निकाल दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, निकाला नहीं क्योंकि इन लोगों ने हाफ पेमेंट की थी ना, तो दुकान इनके अंडर में आ गई, शॉप इनके अंडर में, तो इन लोगों ने अपने भाई को रख लिया। ये देखो ये इसका भाई है कदीर इसका, तो उसको भी रख लिया ये एक छोटा, क्या नाम है भाई? शाज़ीब अली इसका नाम है। तो खैर जो भी, तो आप भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक यार। राशिद को हमने छुट्टी तो दी दी है, लेकिन राशिद भाई का हमने काम भी लगा दिया। इसी गली में आगे चले जाओ, तो वहाँ पे उसके एक शॉप है, उसको हमने काम पे लगवा दिया, तो मतलब उसको फारिग नहीं रहने दिया। जिस दिन उसने यहाँ से काम छोड़ा या उसको यहाँ से निकाला, तो उसी दिन हमने उसका इसी बिलावल में ही उसका काम लगवा दिया, तो उसको हम फारिग घूमने नहीं देंगे। और बताया आप सारी के बाद आएंगे उसका बिजनेस वाले, तो इंशाल्लाह पक्का एग्रीमेंट करते हैं। ये नाम का जी हाँ जी मैं घोर सुनी था, अगर नमाज पढ़ने में तेरे की नहीं भी जो करे नहीं कर पूरा मकान नहीं बसा, उनमें अगर अगर है कोई पैन इस विषय में तो देने की आव नहीं सरदाई से पैन नहीं करे उर्दू में लिखो इंग्लिश है यूनुस भाई जाना लेट तो यूसुफ भाई था उर्दू में कोई एनएससी नंबर लगे पहले एक रिस्पोंस पढ़ सही हां उर्दू उर्दू ही लिख उर्दू ही लिख मैं फरी के अव्वल ना उर्दू ही लिखते बेहतर तो सवाल साफ तो लेते एनएससी एनएससी तो हां तो एनएससी मेरा एनएससी नंबर लिखो चाहो नंबर हवाला लिख नंबर 10 का तो फिर नंबर वगैरह सारा बोल एक और जो है सारे खरीद बुनाओ है प्रूफ बुना है ना एक पकाया सने में उसका दिक्कत
किते गया चांग इनर के नहीं गया गलत जहां बरे बंदा से आ तक तुम का मतलब मैं तरीके से ये हमारा मालिक है से तो माशाल्लाह से यार एग्रीमेंट वगैरह हो गया और हमारा सेठ बैठा है वो। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। क्या हाल चाल है आपके? वी आई पी। तो भाई मिठाई कहाँ है? अच्छा ये तो गलत है ना, जो हाल फिलहाल की मिठाई होती है वो तो हक के नाम। फिलहाल मैंने आपको खिलाया था, याद करें आपको। अच्छा था। भाई ये चाय पिलाना कोई मिठाई होता है या कैसा बंदा है यार? तो चाय पिलाने में मिठाई कह रहा है यार, अजीब बंदा है यार। सताईस रोजे को पूरे ये नजदीक आ गए बस। अच्छा सताईस रोजे को मिठाई खिलाएगा और कुरान खानी भी कराएगा। कुरान खानी भी माशाल्लाह। नहीं तो भाई मुबारकबाद दे दी इस बंदे को या नहीं? भाई आपको मुबारक है। मुबारक हो यार। और यार माशाल्लाह से आदिल भाई का पहले दूसरा कारोबार था। अच्छा हाँ। तो अभी उसने दूसरा सैलून का कारोबार किया है। अच्छा भाई ने दो कारोबार कर लिए माशाल्लाह यार, कामयाब कर रहे हैं, तरक्की में जा रहे हैं, तरक्की में जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बताया माशाल्लाह से यार कारोबार था, अब मॉर्निंग का हो गया। हाँ ये भी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे। तो यार माशाल्लाह से शॉप तो सेल हो चुकी है तो, लेकिन मजर भाई और मैं यहीं पे काम करेंगे, ऐसे ना मजर भाई? हाँ भाई, जब तक जिंदगी है, जब तक हमारा सेठ हमारे से खुश है तो हम यहीं पे, ऐसे ना ऐसा ही। तो बताया अगर आज का सीन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे ना दिल पे।